देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर पूरा धीरे धीरे गर्दारी लगाया जा रहा है और सब लोग रुके, कोई रजू कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इस तरह से सब थाला रखा जाता है और थाले में फिर आके आराम से बैठे चार जन, पाँच जन, छः जन, सात जन, कितना हो भी सके उतना आगे बैठते हैं। देख सकते हो भाई साहब, तो देख सकते भी शरबत आ गया यहाँ पर, यहाँ पर हर किसी शरबत रख रहे हैं। दो तरह का शरबत है, इतने ही पानी है और शरबत है, देख सकते हो भाई। एंड इसका ऊपर भी बिठाया गया है वहाँ पे, यहाँ पे भी पूरा फूल है। एंड यहाँ पे ऊपर और तीन माला है, यहाँ पे भी पूरा बिठाया जाता है, इस तरह से पूरा बिठा के खिलाते। और देख सकते थाली के बगैर से चालू है पूरा, और यहाँ पे शरबत भरा जा रहा है। तो तीन तरह का शरबत है, कि पानी वाला शरबत है, कि पिंक शरबत है, एंड ये भी शरबत ही है। एंड देख सकते रूहअफ़ज़ा भी वहाँ पे बन रहा है। देख सकते बहुत फास्ट काम हो रहा है भाई साहब, क्योंकि हज़ारों में पब्लिक आती है यहाँ पे, हज़ारों में पब्लिक आती है। गिल्ला है यहाँ पे, गिल्ला हो गया बैठने के लिए, तो अभी फटाफट करके साफ़ कराएगा। जब कुछ नहीं है, कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो फटाफट साफ़ सफाई हो जाएगी। और अभी अजान के टाइम में बचा है, अभी आधा घंटा ही बचा है, फटाफट हो जाएगा रेडी। सकते पूरा थाला के लिए पर जो रेडी हुआ था ना, सब लोग बैठ गए, तो इस तरह से सब राउंड लगा के बैठ जाते हैं, छः जन, सात जन, जितने भी होंगे ना उतने आराम से ऐसा बैठ जाते हैं। और इसी तरह से फुल अंदर बाहर हर जगह से बैठ जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सब फटाफट वजू कर रहे हैं, ऐसा वजू भी हो रहा है यहाँ पे, एंड पीछे भी है इसके अंदर, देख सकते हैं। चलो भाई, तो हम भी देखते हैं हमारे लिए जगह, हमारे लिए जगह देखते हैं अभी, कब कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, हम लोग भी बैठ के बताता हूँ कैसे। देख सकते हैं भाई साहब, पूरा भर गया, नीचे का फुल भर चुका है पूरा, अभी जाएंगे ऊपर डायरेक्ट, ऊपर भी जाने की जगह है, ऊपर जाके बताऊंगा कैसा है। फर्स्ट फ्लोर है, इधर भी पूरा भर गया है, थाला आएगा यहाँ पे, यहाँ पे बैठ गए, जगह बहुत ही रश है, बहुत पब्लिक है, हजारों की पब्लिक में बहुत ही रश रहता है यहाँ पे, बहुत अलग अलग टाइप्स के अलग अलग लोग आते हैं। और ऐसा कुछ नहीं, हज़ारों लोगों को इफ्तारी कराना, यहाँ का इंतजाम कराना, सब लोग सब वॉलंटियर्स होकर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग से कुछ नहीं, सब वॉलंटियर्स करते हैं खुद से, तो बहुत सही लगता है। अभी धीरे धीरे पब्लिक आते जा रही है, अभी अजान का टाइम भी हो गया और जस्ट पब्लिक आते जा रही है और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, तो अभी कैसा क्या होता है इफ्तारी में, क्या क्या होता है, मैं आपको अभी थाला आ गया, तो इसमें देख सकते हैं पहले से ये रेडी हुए, तो अभी यहाँ पे जूसेस वूसेस सब आएंगे यहाँ पे, और जो भी पाव सालन जो भी आएंगे वो आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे नींबू शरबत आ गया है, वैसे नींबू शरबत आ गया, ग्लासेस भी है सबके अलग अलग, और धीरे धीरे करके ऐसे ही सामान आते रहता है और पूरा थाला भर जाएगा। फिर देख सकते हैं अभी यहाँ पे ना ये बाउल भी आ गया है सालन का, और पाव आ गए, तो इस तरह से सालन एंड पाव भी आ चुका है, एंड देखो ये पूरा थाला भी रेडी हो गया है। रूहअफ़ज़ा का भी शरबत मिल चुका है, देखो रूहअफ़ज़ा का भी शरबत आ गया भाई साहब, और बस थोड़ी देर में अभी अजान भी हो जाएगी, एंड पूरा थाला भी रेडी हो चुका है भाई। अभी सब लोग दुआ मांग रहे हैं यहाँ पे भाई, भाई अंकल है ये भी दोनों भाई, कहाँ के हो आप लोग, कुरला के, और आप गोरेगांव, तो देख सकते हैं सब अलग अलग जगह से आते हैं भाई साहब यहाँ पे इफ्तारी करने, जन्नत से ना। हाँ, मूसा अलैहि सलाम के, सही बात है, कुछ करना वो ना शुक्री नहीं करना चाहिए इंसान को, सही बोल रहे हो, वो ना शुक्री करे इसलिए, वरना जन्नत ये तो जन्नत से मिल रहा था आराम से, जन्नत से आ रहा है डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, भेज तो रहे, सही बात है। तो देख सकते हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्य बता रहे कि कैसा जन्नत से आता था, और अभी सब बनाना पड़ रहा है क्योंकि ना शुक्रानी की वजह से, तो सब किसी जो भी हो रहा है अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हमें। तो बस दो तीन मिनट है अभी रोज़ा खुलने के लिए, तो सब लोग दुआएं मांग रहे, फटाफट मैं भी दुआ मांग लेता हूँ आप सभी के लिए भी, और फटाफट फिर रोज़ा अफ्तार रहते हैं।
गाइस देख सकते हैं मोहम्मद अली रोड, इतना रश है भाई साहब। रमजान में अगर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ पे होती है, देख सकते हैं भाई साहब। अलग अलग टाइप के माहौल को आज मसलान में यहाँ पे माशाल्लाह कैसे रमजान में यहाँ पे एक बार तो ट्राई करना ही होता हर कोई आता है। मैं आ गया हूँ अभी डोंगरी में, और डोंगरी की सबसे फेमस मस्जिद है मुगल मस्जिद। तो अभी वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ कैसा है क्या है, और देख सकते हैं आप पूरा इंटीरियर इंटीरियर सब चीज़ दिखाऊंगा आपको, तो स्टे ट्यून, फटाफट जाके दिखाता हूँ। देख सकते हैं माशाल्लाह एंट्रेंस बनाया है, मस्जिद है ईरानियन, देख सकते हैं लंबी है यहाँ पर। यहाँ से एंटर होता हूँ और बताता हूँ आपको पूरा कैसा है क्या है, देख सकते हैं माशाल्लाह। वो पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चाय का इंतज़ाम है, ब्लैक टी कावा एंड सब रोज़ा अवतार रहे हैं यहाँ पे। जब भी स्टार्ट हुआ रोज़ा अवतार में भी जाके बैठता हूँ और देखता हूँ। देख सकते हैं ये यहाँ का इंटीरियर है पूरा, एंड अब खाना वाना भी खा रहे हैं यहाँ पे, खाना वाना भी चालू है, इफ्तारी कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे, तो है देख सकते हैं यहाँ पे सब नमाज वमाज भी पढ़ रहे, रावट खा रहे। तो यही था आज का व्लॉग, बहुत बेहतरीन, देख सकते हैं खा कर डिश बताता हूँ। मिनाल भाई कैसा है टेस्ट? तो भाई कैसा है? मस्त है ना भाई, तो बट फटाफट खा दे अच्छी तरह से, आराम से नीचे बैठ के सब आराम से खा रहे, ठंडा माहौल है एकदम, चाय वाय का भी इंतज़ाम है, इसके बाद कहवा पी लेंगे और फिर निकलते हैं। भाई देख सकते हैं ये है बुलंद दरवाज़ा डोंगरी का, जो कि अभी अभी बनाया गया है, और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और कितना बड़ा है भाई साहब, देख सकते 0.5 में दिखा रहा हूँ, देखो इतना बड़ा है, और ये न्यू बनाया गया है, देख सकते बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चाहिए?